आज मैं आप लोग के साथ पनीर छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है काबली चना, और पनीर। तो पनीर को मैंने बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। प्याज लेंगे जिसे मैंने बारीक काट लिया है। चार टमाटर मीडियम साइज के, और अदरक लहसुन और हरी मिर्च। कुछ खड़े गरम मसाला लिया है मैंने, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेजपत्ता। सबसे पहले हम पानी गरम करेंगे और उसमें हम टमाटर को उबाल लेंगे, क्योंकि हमें टमाटर का पेस्ट बनाना है। तो टमाटर को हमें इतना उबालना है ताकि इसका छिलका अलग हो जाए। तो इसका छिलका निकाल लेंगे हम। तो अब हम प्रेशर कुकर में काबुली चना डालेंगे और खड़े गरम मसाला। तो खड़ा गरम मसाला को डाल देंगे और पानी भी डाल देंगे और इसे हम पका लेंगे। तो कुकर का ढक्कन बंद करके हम काबुली चना को अच्छे से पका लेंगे। उसी पैन में हम तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। उसमें हम जीरा डाल देंगे, सूखा लाल मिर्च। हम इन सबको अच्छे से पका लेंगे। इन सबको पकते ही हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो प्याज भुन गया है। उसके बाद हम हल्दी पाउडर डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च पीसा है, और इसमें हम काली मिर्च भी डाल रहे हैं, इसलिए हम काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जो कि तीखा कम होता है और कलर अच्छा आता है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, जो मैंने टमाटर तैयार किया था उबाल के, उसका मैंने पेस्ट बना लिया, उसे हम डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे। तो अब हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो देखिए हमारा चना पक के अच्छे से तैयार हो गया है। इसे आप दबा के देख ले, अगर आराम से दब रही है तो पक गया है। तो इसमें से हम खड़ा मसाला निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी खड़े मसाला का फ्लेवर था वो आ गया है। और इसे हम पानी के साथ डालेंगे सब्जी में, इसका पानी निकाल के नहीं। तो इधर मसाला भी तैयार हो गया है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे काबली चना को और इसे मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, पानी डाल देंगे एक कटोरी। पानी आप अपने हिसाब से डालें, जैसा आपको छोला रखना है उस अकॉर्डिंग। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और एक चम्मच क्रीम डालेंगे। क्रीम डालने से सब्जी में टेस्ट बढ़ जाती है। और ढक्कन लगा के हम अच्छे से इसे पका लेंगे। सब्जी में उबाल आने लगा है, इसमें हम पनीर डाल देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे और पनीर को भी पकाएंगे। तो पनीर को भी हम 7-8 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम क्रश करके कस्तूरी मेथी डाल देंगे।
अब ढक्कन लगा के हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब हम ढक्कन को हटाएंगे और पनीर को चेक कर लेंगे। तो पनीर भी पक गया है, तो लास्ट में इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से छोले पनीर बनके तैयार हो गया है। तो आप भी छोले पनीर इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। और मटर पनीर से इसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार आप भी छोले पनीर बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। सब लोगों को खिलाएं, आपकी तारीफ़ करते लोग थकेंगे नहीं।